पेंशनर्स दिवस के अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला पंचायत हॉल में पेंशनर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनरों के स्वास्थ्य सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा कुछ वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित भी किया गया। सम्मेलन में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा कि पेंशनरों की सभी समस्याओं का समाधान त्वरित किया जाएगा। पेंशनरों को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उसे दूर किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्य कोषागार अधिकारी जनार्दन प्रसाद पांडे, कोषागार अधिकारी जिज्ञासा श्रीवास्तव, अपर चिकित्सा अधिकारी नीरज कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी और पेंशनर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, के बावजूद जुलाई 2021 से प्राप्त हो जाए जिससे हम अपने इस का एक बार बंदर अभिनंदन करते हुए उद्देश्य यही है कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं जिन्होंने इतने वर्षों तक सरकार की सेवा की और सेवा के उपरांत प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित अधिकारी उपस्थित हों और उनकी समस्याओं का समाधान करें। अभी जिलाधिकारी महोदय कहीं व्यस्त होने के कारण हैं तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच उपस्थित हूँ। कुछ समस्याएं जो आपके द्वारा बताई गई अभी जितनी रेलवे था उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या चिकित्सा प्रतिकूल के विरोध को लेकर है, जिसमें आपका ये भी अनुरोध था कि इसे आपकी समीक्षा बैठक में भी सम्मिलित किया जाए। ये एक अच्छा सुझाव है और मैं इसको जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके मासिक समीक्षा बैठक में सम्मिलित कराऊंगा और उसके संबंध में सभी विभागों को पत्र भी भेजा जाएगा कि वो अपने विभाग की सूचनाओं के साथ इस समीक्षा बैठक में सरकार करें ताकि आपकी इन समस्याओं का समाधान समय से होता रहे, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अगर किसी कार्य में विलम्ब होता है तो उसके कुछ अनुचित लाभ लेने के प्रयास किए जा सकते हैं नीचे के अधिकारी द्वारा। तो अगर समय से ऊपर के अधिकारी इसको देखेंगे और सुनिश्चित कराएंगे अध्यक्ष कोषाधिकारी और कोषागार से जो भी आपकी बातें सुनी काफी संतुष्ट है कि एक तारीख को ही दोपहर 12 बजे तक आपकी पेंशन आपके खाते में पहुंच जाती है। तो इसके लिए मैं कोषागार विभाग की समस्त टीम को और मुख्य कोषाधिकारी गोरखपुर को अपनी तरफ से भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा और आप लोगों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि इनका काम काफी अच्छा है। इसके अतिरिक्त कुछ समस्याएं और भी पत्र के माध्यम से हमें दी गई है तो भी हम विचार करेंगे, उसमें जो भी कार्यवाही जिस विभाग से होनी है उसको भी कराया जाएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक उम्र तक स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करें और 100 वर्षों तक या उससे भी अधिक जीवित रहें। अपने परिवार के मुखिया के तौर पर दिसंबर को यहाँ जिला पंचायत सभागार में पेंशन दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनके द्वारा कुछ समस्याएं भी बताई गई हैं विभिन्न विभागों से संबंधित, उस पर उचित समाधान जो भी नियमानुसार होगा उसके लिए हम लोग कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसको समय से कराएंगे। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्त व्यय के बिलों को लेकर भी कुछ समस्याएँ बताई गई, उनका भुगतान और उनका प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो उसके लिए भी हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसका समाधान कराएंगे और सभी विभागों को इसके लिए सेंसिटाइज करेंगे कि जो भी पेंशनर्स की समस्याएं हैं उसको समय से समाप्त कराएं और समय से निस्तारित कराएं।